नमस्कार, मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल के सेशन में अगर कमोडिटी की बात करें तो मार्केट सुस्त था। जिस दिन से यूएस मार्केट में हॉलिडे मूड था, जिसके चलते कोई मेजर मूवमेंट नहीं था, उसके बावजूद हमने देखा करेंसी मूवमेंट के चलते एमसीएक्स के बुल टेस्ट में करीबन 1% के करीब की तेजी आती हुई दिखाई दी। हमने देखा सोने और चांदी में फ्लैटिश टू पॉजिटिव मूव था, जिसके चलते ये रैली आते हुए दिखाई दी। आज करेंसी मार्केट में हमने यूएसडी आईएनआर को काफी बाउंस आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स फिर से 93 के ऊपर निकल गया, जो कहीं ना कहीं एक रिस्क मोड वापस बताता है। डॉलर इंडेक्स में अगर बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी में गिरावट रहेगी। तो आज का सेशन हमें लगता है कि एमसीएक्स बुल डेस्क के लिए नेगेटिव रहेगा। 16,000 के नीचे होल्ड करने पे हम 15,820 से लेकर 15,770 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वहीं कल का अगर ओवरऑल सारांश की बात करें तो सोने चांदी में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट फ्लैटिश टोन पे ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। क्रूड ऑयल में बिकवाली अभी भी जारी है, जो फर्दर बढ़ सकती है, जो 2820 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस 185 से 190 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि बेस मेटल में अपसाइड पे बिकवाली फिर से दिखाई दे सकती है। जिस ढंग से हमने एक्सपोर्ट के जो अच्छे नंबर आते हुए देखे, इकोनॉमी रिकवरी के जो सिग्नल्स आते हुए देखे, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। बट आज मॉर्निंग में हमने देखा जापान से जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो वापस खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बेस मेटल में आज बिकवाली रहेगी। एल्यूमिनियम पे आज काफी मिक्स्ड टोन है, जहाँ पे कॉपर और जिंक तो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम लेड एंड निकल फ्लैटिश टोन से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनली गोल्ड जब तक 1920 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 1920 से 1970 के बीच में ही ट्रेड करेगा। 1920 का लेवल तोड़ने पे हम बड़ी बिकवाली देख सकते हैं। चांदी भी $27.50 के नीचे ट्रेंड वीक रहेगा, जो 2620 का इमीडिएट सपोर्ट है। 2620 का लेवल तोड़ने पे हम बड़ी बिकवाली देख पाएंगे। क्रूड ऑयल 40 का लेवल तोड़ चुका है WTI ने, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 36.5 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में भी बिकवाली कायम रहेगी, जब तक 190 के ऊपर क्लोज नहीं करता ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। वीक्स इंडेक्स बढ़ने की वजह से आज इक्विटी मार्केट में हायर लेवल पे एक प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में 93 का लेवल रिगेन कर लिया, जो 93.40 तक जा सकता है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज यूएस में स्मॉल बिजनेस इंडेक्स का डेटा रहेगा, जबकि यूरो जोन से ट्रेड बैलेंस का डेटा रहने की उम्मीद है। चार्टिकली बुलियन डेस्क में हमने बाउंड जरूर देखा है, बट 16,070 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है हम फिर से बिकवाली देखेंगे, जो 15,800 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। एमसीएक्स मेटल डेस्क की भी बात करें तो इसने कोशिश पूरी की है प्राइजेस को ऊपर आने की, बट इमीडिएट हर्डल जो है 11,920 से 40 का है, ये लेवल नहीं तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है फिर से हम एक बिकवाली मेटल डेस्क में देख सकते हैं। नेचुरल गैस में अपसाइड लिमिटेड है, जब तक 190 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। 183 का लेवल तोड़ने पे हम बड़ी बिकवाली देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।